चौमुखी चौपड़ में काल बरह अखबारो, ये गाना हमने बचपन में बहुत गुनगुनाया है। आज हम मौजूद है उसी चौपड़ के अंदर जो कभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाट बाजार लगा करता था, गुरुवार की गुरुवार। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाहर के दुकानदार जो है वो आते थे और इस हटवाड़े के अंदर अपना माल बेचते थे और ये खरीदारी के लिए भी दूर दूर से आया करते थे। और आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर एक दुकान है, वो जो कोरवर के ऊपर जो दुकान है वो है ओम जी एलवाई की, वहाँ की जो बर्फी है पूरे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। तो ये जो है इस चौपड़ की एक अच्छी क्वालिटी है और इसी चौपड़ के अंदर हम आज आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। चुनावी माहौल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं चौमुखी चौपड़ के अंदर। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, आज यहाँ पे देख रहे हो ये दिवाली के लेकर के ये दुकानें सजी हुई है और फुटपाथ के जो दुकानदार है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम दुकानदारों से बात करेंगे कि चुनावी जो माहौल है वो किस प्रकार का यहाँ पे चुनावी माहौल है। काफी दुकानदार लोग हैं जिन्होंने दुकान लगा रखी है। एक ये देखिए आप यहाँ पे जो डेकोरेशन का सामान है वो लगा रखा है इन्होंने और दिवाली को लेकर के ये क्या 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 चीजें बेच रहे हो आप? हम कह रहे हैं ये रंगोली है और लक्ष्मी जी का भी सामान है और ये अगले वगैरह। तो इनकी रेटे क्या होती होगी? इनकी रेटे ये कम से कम आप मिनिमम मान के चलो इनका 10 रुपए रेट है एक पीस का। तो ये देखो 5 और 10 रुपए के हिसाब से या 15 रुपए के हिसाब से ये जो है ये बेच रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार का जो है वो माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी बैठिए नीचे बैठिए। और क्या नाम आपका? राजकुमार मिश्री। और राजकुमार जी, इस समय चुनावी माहौल है, 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है किन वोटों के किस मुद्दे के ऊपर आप वोटिंग करोगे? हम तो देखो बीजेपी की हैं, बीजेपी को देंगे हम तो। तो क्या कारण है बीजेपी को दोगे? अच्छी है, काम करती है बीजेपी। तो गहलोत सरकार ने क्या काम नहीं किया? गहलोत सरकार क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। कुछ भी नहीं किया। चौमुखिंदर ना तो पानी की व्यवस्था है, न सड़क की है, न और कुछ है। बिल्कुल देख लो, बाहर मेन चौपड़ है हमारे चौमुखी। अच्छा अच्छा, इसकी हालत देखो आप। इसलिए तो इसमें क्या ऐसी क्या यहाँ पे कमियाँ है? यहाँ ट्रैफिक की कमी है, कोई देखता नहीं है, और नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है, कुल मिलाकर के ऐसा ही चल रहा है। हाँ, तो आप किस मुद्दे पर करोगे? हम तो बस ये है भाई, मुद्दों के ऊपर आप वोटिंग करोगे। और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? योगेश कुमार। योगेश जी कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ चौमुखी रहने वाले सर। तो 25 तारीख को वोट होने जा रहे हैं, तो आपके वोटिंग का क्या मुद्दा रहेगा? मुख्य मुद्दा ये है कि मेन समस्या तो है पानी की। पानी की समस्या इतनी तगड़ी है कि 48 घंटे में पानी देते हैं, उसमें भी 10 मिनट भी पूरा पानी नहीं आता है। 48 घंटे से पानी आता है, उसमें 10 मिनट पूरा पानी नहीं आता है। मैं पानी का पीने का पानी भी पूरा नहीं पड़ता है। टैंकरों से पानी की व्यवस्था करवानी पड़ती है। कई बार जलदाय विभाग को, नगर पालिका को कई बार सूचित किया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस दूसरी समस्या ये है, ये सड़कें 10 वर्ष पहले बनी थी, आज इन सड़कों में इतने गड्ढे हो रहे हैं कि आम आदमी को चलना दूभर है, तो वाहन तो चलना ही अलग बात है, जब पैदल चलना ही बड़ी मुश्किल हो गया। लगता है कौन सी सरकार इनको सॉर्ट आउट कर सकती है? जो भी इस सरकार को ध्यान देगी उसकी तरफ हम जाएंगे। कौन सी सरकार? वैसे तो हमें जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो क्या कार्यकर्ता हो या समर्थक हो भारतीय जनता पार्टी के? हम जनजाति कार्यकर्ता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय नारायण है। हाँ जय नारायण जी, क्या काम करते हो आप? साहब हमारा है गजक मूंगफली का काम है। कहाँ पे है? यहीं पे है, यहाँ मेन चौपड़ में दुकान है अपनी। वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा? विधानसभा क्षेत्र हमारा चौमुखी पड़ता है सर। अच्छा, तो अभी वोटिंग करने जा रहे हो तो किस मुद्दे को लेकर के आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो क्या बताए सर, नहीं तो हमारे को तो कोई कांग्रेस नहीं हल करती है, नहीं हमारे कोई बीजेपी नहीं हल करती है। ये हमारे चौमू के जो दोनों विधायक है, जो काफी बार हमारे चौमू के लोकल है, इन्होंने इतनी बार जीते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारे चौमू के अंदर पानी की समस्या का हल बिल्कुल ही नहीं हुआ। हम साहब के पास जाते हैं, साहब बोलते हैं आप घबराओ मत, आपका काम हो जाएगा। दूसरी पार्टी के पास जाते हैं तो बीजेपी वाला तो ये कहता है कि साहब हमारी सरकार नहीं है। तो कांग्रेस वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं साहब हम विधायक नहीं है। जनता तो क्या है कि इस बातों के अंदर गुमराह हो रही है। अब देखते तो यह है कि अब क्या विचार होगा, क्या विचार नहीं होगा। अब हमारे को तो 4 बातों के लिए बोली है कि साहब आपके एक तो चौमू की व्यवस्था के अंदर चौमू में पानी की व्यवस्था की जाएगी, जो बिसलपुर का जो पानी है आपके चौमू में जल्दी से जल्दी लाया जाएगा, और जो चौमू की जो सड़कें टूटी है उनकी बढ़िया मरम्मत करवाई जाएगी,
किसने किसने कही, किसने वादी की है ये साहब? हमारे को तो क्या है कि जो चौमू के जो चेयरमैन जी थे हमारे, अभी उनसे भी हमारी बात हुई थी, हमारे विधायक साहब से भी रामलाल जी से बात हुई थी, तो हम तो किसी भी नेता के पास जाते हैं तो हमारे को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला आपका। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। चलो चलते हैं, और भी बात करते हैं लोगों से। काफी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हो दिवाली के जो है वो सामान यहाँ पे बेचा जा रहा है, झाड़ू वगैरह। ये क्या नाम, क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार। हाँ देवेंद्र जी, ये दिवाली का इस समय जो सीजन चल रहा है जी, और चुनाव भी होने वाले हैं 25 तारीख को, चुनाव भी होने वाले हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करोगे? हम वोट बीजेपी को करेंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट करोगे, तो ऐसी क्या खूबियां हैं जो बीजेपी में करोगे आप, कांग्रेस में क्यों नहीं? कांग्रेस में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, बीजेपी में कम होता है। बीजेपी में कम होता है? भ्रष्टाचार तो सब में होता है, लेकिन बीजेपी में कम होता है, इसलिए वोट उसी को देंगे, बीजेपी को करवाएंगे। तो बीजेपी की कोई योजना है जिसको आप बता सकते हो? नहीं, ऐसी कोई योजना हमने नहीं देखी है। तो कांग्रेस के लिए ये कहते हैं कि कांग्रेस ने काफी कुछ योजनाएं हैं वो अच्छी लागू की है, जैसे चिरंजीवी योजना है, और क्या नाम है ये, सिलेंडरों पे सब्सिडी दी है। ये जो सब्सिडियां दी है सिर्फ बीपीएल परिवारों को दी है, अन्य कोई परिवारों को नहीं दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, कोई ऐसा मुद्दा भी है क्या जिस मुद्दे के ऊपर, मुख्य मुद्दे पर चौमू के अंदर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, चलो वो बताइए कि मुख्य मुद्दे? पानी के अलावा और कौन सी समस्या है चौमू के अंदर? बस यही समस्या, और पानी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या। चलो, और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई आपका? नरेश सोनी। क्या नाम है? नरेश कुमार सोनी। नरेश कुमार सोनी, कहाँ के रहने वाले हो? चौमू में रहता हूँ, गांव मानपुरा माछड़ी। अच्छा अच्छा, तो 25 तारीख को चुनाव होंगे, तो किस सरकार को आप चुनाव? हम तो एक ही को देते हैं, बीजेपी को, शुरू से। शुरू से बीजेपी को देते हैं? कोई बीजेपी की ऐसे कोई कारण जिसकी वजह से बीजेपी को देते हो? हमारे जो वार्ड मेंबर है वो काम करवाते हैं खूब हमारे। अच्छा, काम करवाते हैं, तो अभी भी मुद्दा यही सिर्फ आपके लिए यही? हम तो एक ही को देते हैं वाली शुरू से बीजेपी को, बाकी अलावा किसी को नहीं। बाकी अलावा और किसी को नहीं? और भी दुकानदार हैं, दो चार दुकानदार और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये दुकान तो और भी कोई लोग चलाते हैं ना? अच्छा अच्छा, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ये भैया बैठे हुए हैं, काफी युवा साथी लग रहे हैं। अभी क्या नाम आपका? थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ भाई, मनोज सैनी। अरे मनोज सैनी, क्या काम करते हो आप? मैं तो स्टडी करता हूँ। चलो इसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो आप अपने हाथ से। हाँ, वैसे क्या? तो स्टडी करता हूँ। स्टडी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, पैरामेडिकल चल रहा है। अच्छा, पैरामेडिकल चल रहा है। अभी दिवाली की वजह से ये आपने लगा करके बैठे हुए हो, तो इनकी क्या रेटियो होगी वैसे? इनकी सबकी अलग अलग रेंज है, जैसे एक दो, कोई 100 के, कोई 150 के, कोई इससे ज्यादा है। तो इस सीजन के अंदर आप कितनी की कमाई कर लेते हैं? इतना तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है, है? कोई इस चीज का तो कंफर्मेशन नहीं है, मैं तो बस बैठा हूँ, चाचा संभालते हैं और बाकी का तो। अच्छा, तो 25 तारीख को वोट होने जा रहे हैं, तो आपका वोटिंग का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? क्या रहेगा मुख्य मुद्दा? किन मुद्दों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने ले जाओगे आप? चलो ये बता दो कि कौन सी सरकार आनी चाहिए आपके चहेती सरकार, कौन सी है? पानी की समस्या जाएगा, पानी बनाना है, जल्दी बोलो भाई, कौन सी सरकार पसंदीदा आपकी? ये तो मेरा पहला वोटिंग रहेगा, तो मेरे को कोई मुद्देकार इतना कुछ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो देख करके आप दोगे ना वोट? चाचा को तो चाचा बताएंगे। अरे फिर भी आप युवा हो, आप खुद आपने कहा है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, पहला वोट दोगी इसलिए भाई तैयारी कर रहे हो। मुद्दा तो ये है, ढंग से अगर वो वर्क करेंगे तो आगे भी वापिस वही आएंगे, जैसे अभी वो चलते हैं यहाँ पे वोटिंग के टाइम पे, तो वो काफी आके बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बाद में उनका कोई वर्क रहता नहीं है, बस अपने काम में बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाना रहता है। तो आपको तो सिर्फ नौकरी चाहिए? नौकरी युवा को नौकरी चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, लेकिन देश का विकास भी तो चाहिए ना, अदर स्टेट तो देश के विकास को चुनोगे या नौकरी को चुनोगे आप? मैं देश के विकास को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि अगर देश का विकास ढंग से होगा तो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, उनको भी ज्यादा नौकरियां ये मिलेगी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो गहलोत सरकार ने अभी खूब काफी कुछ नौकरियां दी है। गहलोत सरकार या किस कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार आने वाली है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। अच्छा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ देश के विकास से मतलब है। चलो चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोले। और भी लोग हैं यहाँ पे जो बोल रहे थे, क्या नाम आपका? ज्ञानचंद जैन। हाँ ज्ञानचंद जी, 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो कौन से मुद्दे हैं?
जिनको सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है चौमू में। पानी की समस्या तो यहाँ पे एक कॉमन समस्या है क्या? पानी के अलावा कोई चौमू में और कोई समस्या नहीं मान के चलते आप? और चौमू में लाइट की भी है, पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है कहीं भी। तो कौन सी सरकार इन व्यवस्थाओं को सुधार सकती है? कौन सी सरकार सुधार सकती है इन व्यवस्थाओं को? देखो सरकार तो बहाने पे है, कौन सी आती है पहले तो आप कौन सी चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी चाहते हैं? हाँ और भी लोग हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक कुमार जी, ये जो चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को, तो कौन से मुद्दों के ऊपर आप वोटिंग करोगे? वोटिंग जो 5 साल हमने पहले सरकार देखी है उसमें जो जनहित के जो समस्याएं थी वो हल नहीं हो पाई। युवाओं का जो चल रहा है वो पेपर लीक का हाल, अपने पूरे भारत वर्ष में राजस्थान इसमें मशहूर हो गया पेपर लीक जो टॉयलेट, वो उसमें नौकरियां मिल नहीं पाई, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ रहा। और ये जो चौमू के जो है उसमें यातायात की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इस यातायात की समस्या को, और पानी बिजली सड़क स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो कहीं भी जाओ अगर उसपे समाधान नहीं होता है तो पिछली सरकार हमने 5 साल देखी है, अब परिवर्तन चाहिए, आने वाली सरकार क्या करेगी। तो आप कौन सी सरकार चाहते हो? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। बिल्कुल, चलो और भी लोग हैं, क्या नाम आपका? संजय कुमार से नहीं है सर। हाँ संजय जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोड को क्या है कि थोड़ा क्लियर कर देंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा। ओके सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यहीं का रहने वाला हूँ, चौमू का। चौमू के रहने वाले हो? हाँ जी सर। तो 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं? हाँ जी सर। तो आप कौन सा जो मुद्दा है वो उसको मान करके चल रहे हो? मैं सर मेन मुद्दा हमारे चौमू में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अच्छा अच्छा। जो भी कोई पानी की व्यवस्था करता है तो मेरा समर्थन उसी को जाता है सर। पानी के अलावा भी तो मुद्दे हो सकते हैं सर? मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मेन चौमू में इतनी समस्या है पानी की कि लोगों के पास पानी नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, रोज डेली पानी के टैंक आते हैं, 550 रुपए का एक टैंक आता है सर। इतनी कमाई अपन कर नहीं रहे हैं लेकिन पानी भी इतना बजट जाता है कि मतलब अपना महीने का कैलकुलेशन बिगड़ जाता है सर। तो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। तो इस समय जो सरकार जो काम कर रही है वो कैसा, क्या काम कर रही है सर? जो गहलोत सरकार ने काम किया वो काफी हद तक बहुत अच्छा था, और मैं चाहता हूँ कि आगे अपनी गहलोत सरकार ही आए तो रिपीट होनी चाहिए सरकार। हाँ रिपीट होनी चाहिए, गहलोत सरकार आए तो अपने जैसे ये अपने बीमा की योजना और ये बीमा की सुरक्षा में सब चीजें मिली अपने को, बीमारी में हर चीज में। तो महिलाओं के लिए भी सरकार ने काफी कुछ किया है, क्या क्या किया है? बोलो बताइए। और गायनी की डॉक्टर नहीं है। अच्छा, और केवल फ्रेंड की वजह से ही देना चाह रहे हो? जाते हुए कि सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए। सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए? हाँ। तो मोदी की क्यों नहीं? मतलब पानी वानी भी होना चाहिए, सरकार अच्छी है हमारी। राजस्थान में जो सरकार है उन्होंने काफी विकास किया है गहलोत जी ने, और हमारा निवेदन है कि गहलोत जी सरकार दोबारा आए और गहलोत सरकार रिपीट चाहते हो आप? हाँ सर। और भी लोग हैं शायद, ये भी आप भी बोलना चाहेंगे? क्या नाम आपका? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलना चाह रहे हैं तो और भी हम आगे एक दो जनों से और आप लेते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है। अधिकतर जो है वो दुकान, ये जो दुकान है वो कहाँ गए दुकानदार? चलो काफी कुछ और भी पीछे जो है लोग खड़े हैं काफी। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? सोनू। ये नाम भी खुदा रखा है सोनू, है ना? इसको चलो पकड़ लो इसको। हाँ टाइम नहीं है अभी। हाँ तो बोलो, 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या मुद्दा रहेगा आपका, जिस मुद्दे को लेकर के आप वोट करोगे? कांग्रेस को वोट करोगे? किस कांग्रेस को? तो कांग्रेस को क्यों करोगे? कांग्रेस को क्यों करोगे, मोदी को क्यों नहीं? मोदी सरकार भी अच्छी है, कांग्रेस सरकार भी अच्छी है, गहलोत सरकार अच्छे काम कराती है, जैसे युवाओं को नौकरी दिलाती है और सारी पेंशन योजना चालू कर रखी है सारी। हाँ, थोड़ा सा आगे हो जाए, पेंशन योजना है लागू कर रही है और युवाओं को रोजगार भी दिया है। तो गहलोत सरकार में पेपर लीक के मामले भी काफी उठे हैं? काफी होते हैं सरकार में। तो क्या ये होते रहने चाहिए? गहलोत में भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। नहीं क्या 17-18 बार हुए हैं तो इसको लेकर के बीजेपी तो घेर रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी तो इन मुद्दों को लेकर के घेर रही है कांग्रेस सरकार को? ये वो सही बात है। फिर क्या लगता है अब की बार ये सरकार रिपीट होगी तो सॉर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम? नहीं वो सॉर्ट आउट तो कुछ नहीं। बिल्कुल, आपने देखा कि ये जो चौपड़ जो है ये मुख्य बाजार है और इसके अंदर हमने कम से कम 8-10 जो दुकानदार हैं उनसे बातें की है, तो ये सबके अलग अलग मत है। अब इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे।